दोस्तों, अगर आपने भी Flipkart से कोई ऑर्डर किया है और आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो कैसे आपको 2 मिनट में उसको कैंसिल करना है, चलिए जानते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले Flipkart एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पर 3 लाइन नजर आएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई ऑर्डर पर आपको जाना है। उसके बाद जो भी आपकी ऑर्डर की डिटेल्स है, जितने भी आपने प्रोडक्ट Flipkart से लिए हैं, आपको सारे के सारे यहाँ पर नजर आते हैं और जिस भी प्रोडक्ट को आपको कैंसिल करना है आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे हमें ये सैमसंग का फोन अभी यहाँ पर कैंसिल करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यार गाइस, आप एक चीज भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। और क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर का पूरा डिटेल्स यहां पर आ जाएगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बेकार में कभी भी यहां पर जो है ऑर्डर को कैंसिल मत करिएगा। अगर आपका कोई जेन्युइन रीजन है, कोई वजह है, तभी आप ऑर्डर को कैंसिल करिएगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सेलर को जो यहां पर आपको प्रोडक्ट भिजवाते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है और उनका बहुत ज्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंस लगता है, पैसे खर्च होते हैं और उनको लॉस भी होता है। तो आप यहां पर कैंसिल तभी करें जब आपको लग रहा है, जैसे कि आपका ऑर्डर टाइम से आपको नहीं मिला या कोई और रीजन है, तो आप यहां पर उस वजह से कैंसिल जरूर करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नीचे देखेंगे यहां पर कैंसिल का एक ऑप्शन है, आप कैंसिल पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहां पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा। अब यहां पर क्या वजह है कि आप इस प्रोडक्ट को कैंसिल करना चाह रहे हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है आई वांट टू चेंज एड्रेस फॉर द ऑर्डर, यानी कि मुझे अपना एड्रेस को चेंज करना था लेकिन गलती से मेरा एड्रेस कोई और यहां पर फिलअप हो गया है। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है प्राइस फॉर द प्रोडक्ट हैज डिक्रीज, अगर प्राइस यहां पर कम होता है, मान के चलिए आपने यहां पर कोई प्रोडक्ट लिया है उसका प्राइसिंग था 10,000 रुपए और आप एक दिन बाद देखते हैं उसका प्राइस 8,000 का आपको मिलता है, तो आप कैंसिल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी यहां पर रीजन है आप यहां पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे और आप चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ देंगे और नीचे से आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपको यहां पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू आपको करना है। दोबारा से करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी आप देखेंगे कि आपका कैंसिलेशन कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों, जो आपका कैंसिल होता है 7 वर्किंग डे में जो आपका रिफंड अमाउंट है, जो आपने अगर पेमेंट ऑलरेडी किया होगा ऑनलाइन, तो आपका पैसा आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 से 3 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में बिल्कुल जो है रिफंड हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने Flipkart ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं।